आप देख रहे हैं BHBC News। साल के आठवें महीने का 28वां दिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि यही वह दिन है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार किया था। तो चलिए जानते हैं मायावती के संक्षिप्त जीवन। मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूली शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन कांशीराम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनीतिक इतिहास काफी सफल रहा और 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 वर्ष शासन के पश्चात सन 2012 का चुनाव अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से हार गई। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में एक दलित परिवार के घर पर हुआ था। इनका पैतृक गांव बादलपुर है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। मायावती सफल अभिनेत्री के रूप में अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने अपनी मजबूत छवि का निर्माण अपनी योग्यता और व्यक्तिगत विशेषताओं के बल पर किया है। वे एक आत्मनिर्भर महिला हैं। इस देश की सियासी बेल्ट का मंथन करने पर सबसे योग्य नेताओं में से एक मायावती ने इतिहास बनाया जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली दलित महिला बन गई। साथ ही हमने बताया था कि साल के आठवें महीने का 28वां दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यही वह दिन है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार किया था। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपना सुझाव भी दें। आप देख रहे हैं BHBC News।